प्रदेश के निकाय चुनावों को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। वहीं बात करें हम पलवल की, तो पलवल में जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और जो उम्मीदवार हैं लोगों को रिझाने में लगे हैं। इस समय मौजूद है पलवल के कैलाश नगर में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जयेश यहाँ पर पहुंचे हैं। तो किस तरह से जनसंपर्क चल रहा है और किस तरह का लोगों का रुझान मिल रहा है, हम बात करेंगे यहाँ पर डॉक्टर जयेश से कि किस तरह की तैयारियां उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए की। डॉक्टर जयेश, आपका स्वागत है। धन्यवाद नितिन जी। किस तरह से जनसंपर्क चल रहा है, कैसा लोगों का रुझान मिल रहा है? देखिए, नगर परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरी है और दो कैंपेन में लगी हुई है। और आज हम कैलाश नगर क्षेत्र के अंदर आए हैं और कैलाश नगर मोहन नगर दोनों क्षेत्र के अंदर तो क्या यहाँ पर काफ़ी यानी कि पिछड़ा एरिया माना जाता है, किस तरह से लोगों का रुझान यहाँ मिल रहा है, क्योंकि विकास पिछले 5 साल में क्या कहेंगे? आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, विकास पिछले 5 साल में ही हुआ है। और दूसरी बात जो है कि पिछले 5 वर्ष के अंदर, 7 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 150 से अधिक सड़कें इस लैलपार एरिया के अंदर बनाई हैं। विकास कार्य जितना हम इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि इस क्षेत्र को और भी विशेष लाड प्यार की जरूरत है और यहाँ और अधिक विकास किया जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास है। अगर हम बात करें नगर परिषद के मेन मुद्दों की, तो अभी ऐसे कौन से मेन मुद्दे हैं कि जो तो पिछले शासनकाल में पूरे नहीं हुए, परंतु अब की बार प्राथमिकता के तौर पर आप अगर जनता आपको आशीर्वाद देती तो उन्हें पहले प्राथमिकता के तौर पर पूरा करेंगे? देखिए, इस बात में कोई दो मत नहीं है कि शहर की पहली प्राथमिकता यही है, लोग कौन पहला मानी है कि एक पलवल को एक साफ सुथरा सुरक्षित शहर देखना चाहते हैं और उसी मंशा के साथ हम इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते आपको इतना ही कह सकता हूँ, नगर परिषद की कमान संभालने के बाद सबसे पहले हम अपने शहर को साफ सुथरा और सुरक्षित करेंगे। आखिरी सवाल होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर आप सवाल में जीत हासिल की है, कितना उस चुनाव का असर निकाय चुनावों पर देखने को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से और यहाँ लोगों का विश्वास है, कार्यकर्ता सेवा का कार्यकर्ता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आम लोगों के बीच में से आज मुझे ही एक उदाहरण के तौर पर आप देखिए, एक आम परिवार से निकाल के आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया, तो लोगों की एक सामान्य जो जनसमूह है उनका एक भावना जुड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो सामान्य परिवारों से आए हुए लोगों को भी राजनीति में बेहतर हमेशा देती है। और उसी का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो राज्यसभा में जो नामांकन दर्ज किए गए थे उन 100% जीत है। कोई जनता से अपील करना चाहिए? जनता से आप, हमारी यही अपील है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में, चुनावी उत्सव में आप सभी भागीदारी बने रखें अपनी, और आगामी 19 तारीख को जब नगर परिषद के नए अध्यक्ष का चुनाव आप करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जताया है, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ और आशीर्वाद मांगता हूँ कि आप अपना वोट रूपी आशीर्वाद मुझे दें और ताकि नगर को हम अच्छा, बेहतर और सुंदर पलवल बना सकें। देखिए, हमारे साथ थे पलवल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर यशपाल। सबसे बड़ी बात आती है संगठन की, संगठन की मजबूती किस तरह हो, किस तरह कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए। और घोड़ल की और पलवल की बात करें तो जिला अध्यक्ष की अहम भूमिका दोनों चुनावों को लेकर है। इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं चरण सिंह देवतिया जी, संगठन की अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो किस तरह से चुनाव रणनीति इन्होंने तैयार की है दोनों विधानसभा क्षेत्र में, किस तरह से जीत हासिल करेंगे, क्या मूल मंत्र इन्होंने तय किया है, क्या कहेंगे चरण सिंह? हमारा एक एक कार्यकर्ता होडल या पलवल दोनों जगह, यहाँ पर डॉक्टर यशपाल समझ करके और वहाँ पर लखनलाल समझ करके एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और पूरा संगठन एकजुट होकर के इस जीत को हासिल करेगा। और जितना प्यार और आशीर्वाद हमें से सारी जनता का मिल रहा है, पलवल की, शहर की और लोकल की जनता का मिल रहा है और यहाँ होडल भी, तो हमें उम्मीद है कि हम भारी बहुमत से चुनाव लड़ेंगे। अगर हम बात करें यहाँ के चुनावी मुद्दों को लेकर, मैनिफेस्टो भाजपा की तरफ से कब तक जारी किया जाएगा, क्योंकि छुट्टी सरकार बनाने के लिए प्रचार तो जोर शोर से चल रहा है, परंतु मैनिफेस्टो छोटी सरकार के लिए अभी तक नहीं आया, तो किस तरह की तैयारियाँ उसमें की गई हैं और कब तक आ जाएगा? मैं सभी को बताना चाहता हूँ साथ में कि पलवल से
पूरा विकास वैसे हमने सभी जगह किया, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा है कि हरियाणा में भी अगर हम बात करें तो हमारे सीएम साहब ने कोई भी, चाहे विपक्ष का विधायक है या अपने पक्ष का विधायक है, समान विकास किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ जहाँ भी विकास की अगर कोई कमी रह गई है तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी के ऊपर लेकर के सबसे पहले वहाँ विकास कार्य करवाए जाएंगे। और यह मैं इतना संदेश देना चाहता हूँ आप सभी साथियों को कि विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे डॉक्टर यशपाल बहुत ही ईमानदार और साफ छवि के और एक पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं और सभी का इतना प्यार और इतना सम्मान मिल रहा है तो इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि हम भारी बहुमत से चुनावी वायदों का मैनिफेस्टो करते हैं। चुनावी वादे हमें विकास करना है और जो भी चुनावी वादे, चुनावी हम उन दूसरे नेताओं की तरफ नहीं है जो वादे कर जाते हैं और काम नहीं करते, हम काम में विश्वास करते हैं, वादों की तरह उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो इस क्षेत्र में सेंध लगाने का काम करेंगे क्योंकि पुराने राजनीतिक परिवार से हैं, तो किस तरह की तैयारी है इस क्षेत्र की। देखिए सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे पलवल को चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में एक बहुत सुलझे हुए शिक्षित और युवा उम्मीदवार दिए हैं। सभी लोगों का भारी जन समर्थन, जैसा कि मैं उनके साथ सुबह से घूम रहा हूँ, पहले सुबह आज वार्ड नंबर 21 में हमारा डोर टू डोर प्रोग्राम था, उसके बाद हम हरिनगर में गए और आज डॉक्टर सागर जो कि खुद समाज के, इसी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और काफ़ी लोगों से उसका मेलजोल रहता है, आज उन्होंने अपने घर बुलाकर डॉक्टर यशपाल को अपना समर्थन दिया। उन्होंने अपनी कॉलोनी के पूरे लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ पर डॉक्टर यशपाल को समर्थन दिया और वो जल्दी वहाँ उनकी सभा भी करने जा रहे हैं। पंजाबियों में काफ़ी अच्छी पकड़ आपकी मानी जाती है क्योंकि छत्तीस बरादरी में वैसे तो मानी जाती है परंतु पंजाबी क्षेत्र में आप बाहुल्य होता है, तो किस तरह से वहाँ पर रणनीति तैयार है। देखिए पंजाबी समाज में और छत्तीस बरादरी में मैं नहीं मानता कोई जाति पाति की बात होती है, लेकिन हाँ जहाँ तक पंजाबी समाज की बात है पलवल में काफ़ी 17-18 हज़ार वोट पंजाबी समाज की आती हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी पंजाबी समाज ने बढ़ चढ़कर भाजपा का साथ दिया और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी तो आज हमारे पंजाबी समाज से मुख्यमंत्री भी हैं, हालांकि वो छत्तीस बिरादरी के नेता हैं, तो पंजाबी समाज उनमें पूरी आस्था व्यक्त करता है और हम सब भी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टर यशपाल को भारी समर्थन मिले। और अगर आप देखेंगे अभी चुनाव, मैं पहले नहीं बोलना चाहता, अतिशयोक्ति होगी बोलना, लेकिन जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पंजाबी समाज 80 से 90% मेरे को पूरी आशा है कि डॉक्टर यशपाल में उनके पक्ष में मतदान करेगा। आखिरी सवाल चरण सिंह जी से, आपका मुकाबला किस कैंडिडेट से अगर हम बात करें तो? अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई हमारे मुकाबले पर, क्योंकि जनता का प्यार और आशीर्वाद इतना मिल रहा है, क्योंकि मुकाबला हम किससे समझें, क्योंकि विपक्ष पार्टियों ने किसी ने अपने निशान चुनाव चिन्ह नहीं दिए हैं, कांग्रेस पार्टी भी अपने चुनाव चिन्ह से हट चुकी है और भी पार्टियाँ अपने चुनाव चिन्ह देने से पीछे हट रही हैं, तो हम मुकाबला कर सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लवरेज हैं, क्योंकि विकास की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो एम है सबका साथ सबका विकास, उसी स्लोगन पर आज भी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चल रहा है। और बात करें जन समर्थन की तो पार्टी का हर कार्यकर्ता गली मोहल्ले में जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहा है। और मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि विकास तो पिछले 5 साल में बहुत हुआ है और अगर जीत रूपी आशीर्वाद जनता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को देती है तो अगले 5 साल भी उससे 2 गुना विकास देखने को मिलेगा। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा।